इससे अच्छा तो उन्हें रस्टिकेट कर दो सर। तू बहुत नेगेटिव सोचता है। क्या करूं, मेरे ब्लड ग्रुप में ही नेगेटिव है। मैं भी क्या करूं, मेरा बी पॉजिटिव है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सजेशंस हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए मैं आज आप सभी के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं, और जिसका टाइटल है पावर ऑफ सजेशंस। तो चलिए उस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, लॉस एंजलिस का रहने वाला एंड्रयू, जो कि 24 साल का था, उसकी लाइफ एकदम अच्छी चल रही थी। मान लीजिए उसकी जॉब, वो अपनी जॉब से बहुत ही ज्यादा खुश था। उसकी फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करता था और बहुत ही खुशी से वो अपनी फैमिली के साथ जी रहा था। उसके दोस्त भी बहुत ही अच्छे थे और वो उनके साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करता था। मगर एक दिन जब एंड्रयू अपने दोस्त को मिलने के लिए घर से निकला, तब उसी वक्त सामने से एक कार आई और एंड्रयू का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट ने एंड्रयू को बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड कर दिया। और किसी ना किसी तरीके से जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो डॉक्टर्स उसकी सिचुएशन देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे कि इतना बुरा एक्सीडेंट इसका कैसे हुआ। और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद एंड्रयू अब आज के बाद कभी फिर से नहीं चल पाएगा। और जब काफी घंटों के ऑपरेशन के बाद एंड्रयू को फिर से होश आया, और डॉक्टर्स ने जब उसे जाकर ये बात बताई कि एंड्रयू आज के बाद आप शायद कभी दोबारा नहीं चल पाएंगे, तब एंड्रयू बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग फील करने लगा, बहुत ही ज्यादा सैड फील करने लगा कि एक ही मिनट में लाइफ कैसे बदल गई। मगर एंड्रयू ने खुद से कहा कि आई विल नेवर क्विट। वो कहते हैं ना कि जब तक आपने हार नहीं मानी, तब तक आप हारे नहीं हो। एंड्रयू ने भी खुद से कहा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, क्रिसमस आने से पहले मैं इस हॉस्पिटल से चला जाऊंगा ठीक होकर, क्योंकि एंड्रयू को क्रिसमस बहुत ही पसंद था और वो चाहता था कि वो इस बार की क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ खुशी से मनाए, जैसे वो पिछले सालों किया करता था। तो धीरे 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 कुछ महीने बीत गए, मगर उसकी जो भी कंडीशन थी उसमें बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। मगर जैसे ही क्रिसमस का मंथ आया, तो अचानक से उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आने लगी। एंड्रयू धीरे धीरे अच्छा होने लगा। डॉक्टर्स भी उसकी इम्प्रूवमेंट देख के एकदम हैरान हो चुके थे। और आपको पता है, क्रिसमस के दिन एंड्रयू एकदम ठीक हो गया और वहां से वो हॉस्पिटल से अपने पांव पे चलकर अपने घर गया, और अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ उसने खुशी से क्रिसमस का फेस्टिवल मनाया। तो दोस्तों, इसी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सजेशंस हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो सजेशन आप अपने आप को दोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सजेशन को बिलीव करेगा और आपके साथ एक्चुअल में वही होगा। काफी बार जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम खुद को कहते हैं कि यार मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, और एक्चुअल में आने वाले काफी सारे इंसिडेंसेस में हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर हमारे साथ गलत होता है। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि आप खुद को ऐसे सजेशन देते हो। तो दोस्तों, खुद को अच्छे सजेशन दीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।